नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आपने अक्सर देखा होगा एथलीट को गोल्ड मेडल दांत से दबाते हुए, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा हटकर है। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। नीले सूट में नजर आ रहा ये शख्स अपने गले में गोल्ड मेडल लटकाए हुआ है और उस मेडल को दांतों से दबा नहीं रहा बल्कि बिस्किट समझकर उसे काट रहा है, और ठीक उसके बगल में खड़ी लड़की बड़े गौर से उसे ये करते हुए देख रही। आप कहते ये मत सोचिएगा कि गोल्ड मेडल पर अपना दांत आजमाने वाले ये जनाब टोक्यो ओलंपिक में झंडा गाढ़ कर आए। ये गोल्ड मेडल उनका नहीं बल्कि बगल में खड़ी उस लड़की का है जिसने बड़ी मेहनत से इसे हासिल किया। अनोखे कारनामे वाले ये जनाब कोई और नहीं बल्कि जापान के मेयर साहब, जिनका नाम ताकाशी कावामुरा है, और उनके बगल में खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सॉफ्ट बॉल एथलीट मियू गोटो। आपको बता दें कि जैसे ही मेयर साहब ने अपने कठोर दांत तो सोने की परत वाले गोल्ड मेडल पर रखे, उसे बिस्किट समझकर जैसे ही दबाया तुरंत मेडल टूट गया और मेयर साहब की बोली गले के अंदर ही अटक गई। इसके बाद मेयर साहब की जमकर जग हंसाई हुई। तस्वीर वायरल होने के बाद कमेंट की भरमार लग गई। एक यूजर ने लिखा, दांत थे मजबूत, मेडल गया टूट। तो वही दूसरे यूजर ने लिखा, जरूर नीम के दातुन से ब्रश करता होगा। एक और यूजर ने कमेंट किया, राजनीति का बस चले तो खिलाड़ी ही खा जाएं, फिर ये तो बस मेडल है। खैर, अपनी इस गलती के लिए मेयर साहब ने माफी भी मांगी और कहा, मैं इस गलती के लिए दिल से माफी मांगता हूं और वहां मौजूद बाकी लोगों को असहज महसूस कराने के लिए भी माफी मांगता हूं। वहीं ओलंपिक के प्रशासन ने कहा है कि वो इस एथलीट के लिए नया मेडल तैयार कराएंगे। बहरहाल बस इतना ही कहना है कि एक मेडल की कीमत बस वो एथलीट ही समझ सकता है जिसने खेल के मैदान में विरोधियों को परास्त करते हुए उसे हासिल किया। मेयर साहब की ये हरकत शर्मनाक है।